हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, ये सारे लोग साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लाते हैं, हम यूज करें या ना, कॉपीराइट आएगा कि नहीं, ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ये सारे साउंड इफेक्ट्स सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी साउंड इफेक्ट का एक पूरा पैकेज बना के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, काफी लोगों को वो पसंद भी आई और लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से वो सारे साउंड इफेक्ट्स आप लोगों को पुराने लगने लग गए। अब आपको चाहिए कि एकदम लेटेस्ट वाले हमें साउंड इफेक्ट चाहिए, तो कहां से लाएं? तो मैंने सोचा यार कि बार बार एक प्रोडक्ट आपके लिए लाने से अच्छा है कि आपको सीधा फैक्ट्री के ही दर्शन करवा देते हैं, तो आप वहीं से अपना सामान उठाओ और खुद घर लेके जाओ। मतलब कि आप अपनी पसंद के साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जब मर्जी जो मर्जी आपको चाहिए, एकदम लेटेस्ट वाले भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। देखो मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप कोई सा भी साउंड इफेक्ट, कैसा भी साउंड इफेक्ट और कहीं से भी, कितना भी नया कितना भी पुराना, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। जिसमें सबसे पहला है YouTube लाइब्रेरी। अब काफी लोगों को ये तो पता होगा कि YouTube की खुद की एक म्यूजिक लाइब्रेरी है जहां पे दुनिया भर के फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाते हैं, जो आप अपने वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। लेकिन उसी म्यूजिक लाइब्रेरी के साथ साथ में आपको मिलते हैं फ्री के साउंड इफेक्ट्स भी YouTube की तरफ से, और वो सारे साउंड इफेक्ट्स टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं। सीधा आपको अपने YouTube के स्टूडियो में जाना है, वहां पे लेफ्ट में आपको ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखेगा और उसी के साथ में आपको ऑप्शन दिखाई देगा साउंड इफेक्ट्स का। अब ये सारे साउंड इफेक्ट टाइम टू टाइम नए भी आपको मिल जाएंगे, पुराने भी मिल जाएंगे, पॉपुलर भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी साउंड इफेक्ट सर्च करो, चाहे पॉपुलर कैटेगरी में से, नई कैटेगरी में से, या कैसे भी आप उनको सर्च करो, डाउनलोड करो अपने म्यूजिक वीडियो में, चाहे कहीं पे भी, कॉमेडी वीडियोस में, टेक वीडियोस में, जहां पे आपको यूज करना आप उनको कर सकते हो बिना कॉपीराइट के। सेकंड तरीका है आपका गूगल सर्च। अब आपको कोई भी साउंड इफेक्ट चाहिए, चाहे ऑडियंस के हंसने का, चाहे बच्चे के रोने का, चाहे एरोप्लेन के उड़ने का, चाहे गाड़ी के ब्रेक का, ये सारे साउंड इफेक्ट्स आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है जो भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे ऑडियंस के हंसने का साउंड इफेक्ट चाहिए, ऑडियंस लाफ्टर साउंड इफेक्ट में टाइप करूंगा, सर्च करते हैं, पहला या दूसरा लिंक हमें मिल जाएगा जहां पे आपको इजीली अच्छी क्वालिटी का सेम साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको हाई क्वालिटी वाले फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ फ्री बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। अब तीसरा है आपका यूट्यूब सर्च। आपको हर्ष बेनीवाल के साउंड इफेक्ट चाहिए लेटेस्ट वीडियो के, या अमित भड़ाना की लेटेस्ट वीडियो के साउंड इफेक्ट्स, या आशीष चंचलानी की वीडियो के लेटेस्ट वाले साउंड इफेक्ट्स, आपको सिंपली ये सारी चीजें टाइप करनी है यूट्यूब की उसमें, और काफी सारी वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे ही आपको अपनी पसंद का साउंड इफेक्ट मिले, उसके बाद आपको पता है कि वो कैसे वो चीजें आपको यूज करनी है। इन तीनों तरीकों से आपको सिनेमैटिक बीरोल वाले साउंड इफेक्ट से लेकर कॉमेडी के डिशुम डिशुम पंच लात सारे हर तरीके के साउंड इफेक्ट आपको इजिली मिल सकते हैं। तो अब आपको पता है कि साउंड इफेक्ट कैसे मिलते हैं, तो जाओ सर्च करो बिना किसी टेंशन के, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कॉपीराइट का झंझट नहीं है साउंड इफेक्ट्स का। तो जाओ यूज करो अपनी वीडियोस में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर देना, और मेक श्योर कि शेयर भी करके जाना अपने दोस्तों के साथ, मतलब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।